अलैक्म। अच्छा ना, ऐसे 10 मिनट वेट करो, लाइट आ गई। मैं ऑनलाइन लेक्चर अपलोड कर लूँ, फिर बात करता हूँ। तो वेट कर दो। तो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, राइट जो है 3 बजे लाइट मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से जो है मुझे एक इशू है कि मैं अभी अपने पीसी के ज़रिए से ही ऑनलाइन लेक्चर दे सकता हूँ। तो अभी लाइट आई है, मैं बहरहाल ऑनलाइन हो गया हूँ। तो उम्मीद है कि आप जो है अब कोऑपरेट करेंगे, जल्दी जल्दी इसको ज्वाइन करें। आज हमारा टॉपिक जो है वो आपको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाला है। जी हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर हमने बात करनी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कब बनी थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कितने जजेज होते हैं, टर्म ऑफ जजेस क्या है, और जजेस को कौन सेलेक्ट करता है, प्रेजिडेंट साहब जो होते हैं वो कितने अरसे के लिए टेन्योर होता है, और जजेस जो होते हैं उनका टेन्योर क्या होता है। जी आज हम पूरा डिस्कस करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी इम्तिहान में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर कोई भी एमसीक्यू आएगा, आपको आता होगा, भत्ता के आपका इंटरव्यू भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टूडेंट को ज्वाइन करने दें, उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू करता हूँ। ये 5 मिनट वेट करना होगा, 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट को मैं लिंक वगैरह सार सबको सेंड कर दूं।
जस्ट फॉर 2 मिनट। जी हाँ, तमाम स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन रहे। मैं से 2 से 3 मिनट के अंदर लेक्चर स्टार्ट करूँगा। तो अभी एक्चुअली आपको पता है कि स्टूडेंट को लिंक में भेज रहा हूँ। चले जी, मैंने सबको लिंक भेज दी है। तो अब जो है जो भी ज्वाइन कर लेगा कर लेगा, उसकी मर्जी होगी। लेकिन यह है कि अब लिंक सबको जा चुके हैं। जी हाँ, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब जो है खैरियत से होंगे। और आप भी मुकम्मल तौर पे, आपको पता है कि हमारा लेक्चर का जो टाइम था वो 3 बजे था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ना होने की वजह से लेक्चर का टाइम जो है चेंज हो गया। और मैं अभी लाइट आई है, जैसे लाइट आई है मैं अवेलेबल हो गया हूँ। तो अब बात टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टाइम भी हमारा टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह ताला हम रात के टाइम रखेंगे, 10 बजे रात के टाइम, क्योंकि 10 बजे रात के टाइम तकरीबन हर बंदा अवेलेबल होता है और वो इजिली जो है पिकअप कर सकता है। तो अब हम चलते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर। आपको पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने भी MCQ पूछे जाते हैं, जिसमें ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुतल्लिक जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा आपको अगर आपको ICJ के बारे में कम्प्लीटली पता है, अगर आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपका फिर इंटरव्यू भी अच्छा हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस तभी आपका बिल्ड होगा जब आपके पास नॉलेज होगा। आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, और जब आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू भी सही नहीं होता। जी हाँ, तो हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा इतना लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ 10 से 15 मिनट का है। तो हम चलते हैं, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं इस वक्त वो जनाबे वाला इसमें रहेंगे, लेकिन हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप हेडिंग देंगे जनाब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कब बनाया गया, इसको जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, आप ये एक बात याद रखें कि इसको जिस जगह बनाया गया था वहाँ पे जिनके फाउंड किया गया था वहाँ इसका हेड क्वार्टर नहीं है। ठीक है, इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये क्यों ज़रूरत आ गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाने की, ये सारे अहम सवाल आते हैं जो PPSC के सवालों में या
एफपीएससी के सवाल उन पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, चलते हैं ऑनलाइन। जी हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है एक्चुअली ये एक आलमी अदालत इंसाफ, कौन सा इदारा है? इदारा है आलमी अदालत इंसाफ। यानी कि जैसे जी आपके साथ कोई इशू हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसका मुकदमा दायर करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपकी जो है नहीं सुनी जाती तो फिर आप जो है उसको हाई कोर्ट में दायर करते हैं। हाई कोर्ट से भी अगर आपका मसला हल नहीं होता तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट से जो है ना कंटेक्ट करते हैं। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आप कंटेक्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जब आप का मसला हल हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल मसला होता है। अब मसला ये है कि हमारे पास जब एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ प्रॉब्लम होगा, पाकिस्तान का इंडिया के साथ प्रॉब्लम होगा, इंडिया का किसी और मुल्क के साथ प्रॉब्लम होगा, पाकिस्तान का ईरान के साथ, चाइना के साथ, यानी एक मुल्क का दूसरे के साथ जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो कौन हल करेगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हल करेगा। जी हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो एक मेन काम है वो जनाब इंसाफ फराहम करना होता है। क्या फराहम करना होता है? इंसाफ फराहम करना होता है। तो ये आपको पता है कि हमारे पास, ये मैं आपको लिख के देता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से याद करें। जी हाँ, इसको फोन किया जाता है जनाब 26 जून 1945।
जी हाँ, ये मैंने आपके सामने लिखा है क्वेश्चन के आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि मैं इसको अब पढ़ रहा हूँ, उस पढ़ने के बाद इसको जो है यहाँ से डिलीट करूँगा, फिर आगे लिखूँगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसको फाउंड किया जाता है 26 जून 1945, 1945 में। कहाँ पर? एक इजलास बुलाया जाता है, मीटिंग होती है जिसके अंदर काफी सारे मुल्क इकट्ठे होते हैं, एट सान फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यूएसए की स्टेट है, वहाँ पे एक जगह है सान फ्रांसिस्को, वहाँ पर ये इजलास होता है जहाँ पर ये आईसीजे की बुनियाद रखी जाती है। तो पहला आपका एक अहम सवाल है कि आईसीजे स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दूसरा क्वेश्चन कि आईसीजे फाउंड कब किया गया? 26 जून 1945। तीसरा क्वेश्चन कि आईसीजे जो है कौन सी प्लेस पे फाउंड किया गया? सान फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए। ये तीन क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। चौथा क्वेश्चन, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर भाई इसका कहाँ पर है? पीस पैलेस दी हेग नीदरलैंड, नीदरलैंड का एक शहर है दी हेग, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है और वहां भी एक पैलेस है, उस पैलेस का नाम है पीस पैलेस, पीस पैलेस दी हेग नीदरलैंड। ओके हो गया। अब बात आती है जजेस की, पर टोटल जजेस कितने होंगे? एक पहली बात तो ये है कि इनके जो जजेस होते हैं वो इंटरनेशनल जजेस होते हैं, यानी कि वो जरूरी नहीं है कि नीदरलैंड के जजेस होंगे, नहीं, उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो सकता है। ठीक हो गया। अब तक 1945 से लेकर अब 2020 तक पाकिस्तान का एक बंदा सिलेक्ट हुआ था जजेस, मोहम्मद जफरुल्ला खान। जफरुल्ला खान साहब जजेस भी रहे थे और प्रेसिडेंट भी रहे थे, वो उसका मैं बाद में बताता हूँ। टोटल नंबर ऑफ जजेस जो होंगे इसके होंगे 15, यानी कि 15। अब इनको सेलेक्ट कौन करता है? सेलेक्ट जनाब करता है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता है यूएनओ का सबसे, यूएनओ को टोटल 6 ऑर्गन है और 6 ऑर्गन में सबसे स्ट्रांग और सबसे मजबूत जो ऑर्गन है वो जनाब सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली मिलकर जो है जज को सेलेक्ट करते हैं, वो एक एहलियत होती है। पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो इस मियार पे पूरा उतरते हैं। इसके बाद अहम सवाल ये होता है कि जो जज सेलेक्ट किया जाता है वो कितने अरसे के लिए होता है, यानी टर्म ऑफ जजेस। टर्म ऑफ जजेस वो 9 साल के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, टर्म ऑफ जजेस 9 ईयर होगी। लेकिन जो प्रेजिडेंट होगा और इसके साथ एक वाइस प्रेजिडेंट होता है, यानी आईसीजी का जो सबसे बड़ा होता है, जिस तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है, तो आईसीजी में प्रेसिडेंट होता है। जो प्रेसिडेंट होता है और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो जनाब 3 साल के लिए सिलेक्ट किया, 3 ईयर के लिए। अब ये सवाल मैंने आपको यहाँ तक बताए, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर सवाल पेपर में आ सकते हैं, या पहले आप ये लिखें कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक हो गया, जो प्रेसिडेंट है वो कौन पहला था और अब मौजूदा कौन है, जी अब आपको आना चाहिए, ये मैं लिख रहा हूं।
जी हाँ, ये सवाल बड़े इम्पोर्टेंट है। पेपर में बार बार जो पूछे जाने वाले सवाल हैं। सबसे पहली बात है लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, इसका जो पहला और दूसरा है वो याद होना चाहिए, और जो करंट मौजूद है वो याद होना चाहिए। सारे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इसका पहला प्रेसिडेंट साहब होते हैं, पहले होते हैं वो जनाब, उसका नाम है जोज गुस्टेवो ग्रेरियो। इनका ताल्लुक मैक्सिको से होता है। ये 1946 से लेकर 1949 तक मैक्सिको चालू करते हैं। इसी तरह उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उसका नाम है बेस डेवेंट, ये फ्रांस से तल्लुक रखते हैं। इनका टेन्योर, टेन्योर दोनों का सेम होगा, जिस दिन वो सिलेक्ट होगा सेम उसी दिन हुई वो सिलेक्ट होगा। इसके बाद 24 पे आते हैं। 24 आपको पता है कि रूमी इब्राहिम, इनका तल्लुक फ्रांस से था। ये 2015 से 2018 तक रहे हैं। और इसके बाद 25th यानी करंट, अभी जो करंटली मौजूद हैं उनका नाम है अब्दुल कवी यूसुफ। अब्दुल कवी यूसुफ सोमालिया से ताल्लुक है, यानी अफ्रीका से ताल्लुक है इनका। और ये 6 फरवरी 2018 से लेकर 5 फरवरी 2021 को रिटायर हो जाएंगे। और इनके साथ वाइस प्रेसिडेंट 25th चाइना की एक फीमेल जस्टिस हैं, उनका नाम है XUEHANQUIN, ज़ियू क्वाइन, चाइना से हैं। दोनों की सेम डेट है। अब इसके अलावा आपको पता है कि पेपर के अंदर पूछे जाने वाले बहुत ही अहम सवालात कौन कौन से हो सकते हैं आपके और आपको करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये आपके हो गए। एक सवाल आपने याद रखना है कि जो ICJ के बारे में एक सवाल आ सकता है, वो सवाल कौन सा आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट एशियन बिकम द जज ऑफ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पहला एशियन कौन था जो जज बना। वो जनाब मोहम्मद जफरुल्ला खान साहब थे, पहले एशियन थे और पाकिस्तानी पहले थे। पहले पाकिस्तानी और एक ही बंदा जो मतलब है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ था, वो मोहम्मद अब्दुल्ला खान साहब हैं। ये जनाब प्रेसिडेंट भी बनते हैं और ये 9th प्रेसिडेंट होते हैं। नंबर कौन सा? 9th प्रेसिडेंट होते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला खान, और ये 1970 से लेकर 1973 तक रहते हैं। एक सवाल। दूसरा ये है कि फर्स्ट वोमेन बिकम द चीफ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि दुनिया की पहली खातून जज का नाम बताएं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जज बनी हो। उनका नाम लिखें जनाब रोज, रोजी लाइन, ROSA, रोजा LYN, रोजा लाइन हेगन, HIGGIN। ये बल्कि मैं लिख देता हूँ, 3 अहम सवाल जो हैं ये पेपर में बार बार आ सकते हैं और आपको इनको आना जरूरी है।
जी हाँ, आपको डिस्कस में करता चला जाऊं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले एशियन कौन थे जो के चीफ जज बन गए इंटरनेशनल आलमी अदालत इंसाफ के, तो वो जनाब पाकिस्तान की खुशकिस्मती से पाकिस्तान के चौधरी मोहम्मद जफरुल्ला खान, 1970 से 1973 तक पहले एशियन भी थे पहले पाकिस्तानी भी थे। एक और सवाल आ सकता है कि पहली खातून जज जो के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जज बनी, उनका नाम है रोजा लाइन हाइगन, जिनका तल्लुक यूके से है और 2006 से 2009 तक ये जज रही, ये प्रेसिडेंट रही हैं और 21st प्रेसिडेंट, और जफरुल्ला खान 9th प्रेसिडेंट। इसके बाद एक और आता है इंडियन, नगिंद्रा सिंह, नगिंद्रा सिंह प्रेसिडेंट रहते हैं, 14वें प्रेसिडेंट होते हैं 1985 से लेकर 1988 तक। ये वो सवाल हैं जो पेपर में जो है बार बार जो है सवाल को रिपीट कर सकता है। इसके अलावा आप नोट कर लें कि कौन से ऐसे सवाल आते हैं जो पेपर में आ सकते हैं। नंबर फर्स्ट ये है कि आईसीजे कहाँ बना, कब बनाया गया, कौन सी डेट को बनाया गया। दूसरे नंबर पे उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तीसरे नंबर पर ये सवाल भी आ सकता है कि हेडक्वार्टर कौन से शहर के बजाय कौन से मुल्क में है। चौथे नंबर पर टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं। पांचवें नंबर पर टेन्योर ऑफ टर्म ऑफ जजेस क्या है। प्रेसिडेंट फर्स्ट कौन था, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था, मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है, मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट कौन है। अच्छा, इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं, एक ऐसा मुल्क भी है जिसने अमेरिका के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में वो लगा रखी है, रिट पटिशन दायर की हुई है पाबंदियों के खिलाफ। अमेरिका ने उस मुल्क पर पाबंदियां लगा रखी हैं और उसने आलमी अदालत में मुकदमा दायर किया हुआ है, तो वो जनाब है ईरान। तो ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं। ये अहम सवालात थे जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, तो उम्मीद है ये आपको अच्छे लगे होंगे। तो आपने जनाब, ये हमारा आज का जो है लेक्चर ख़त्म हो गया, तो कल जो है इंशाल्लाह ताला हम हाजिर होंगे। इसके बारे में आपकी राय का मुझे एहतराम रहेगा, आपने अच्छे कमेंट्स करने हैं अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है। तो कल इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह ताला इसके बारे में पढ़ेंगे, सार्क के बारे में, सार्क के बारे में पढ़ेंगे कि सार्क क्या चीज़ है, ये कब बनाई गई, इसके मुल्क के हैं। आपको पता है सार्क के जो है 8 मुल्क हैं, 8 मुल्कों को सार्क को याद रखने का क्या तरीकाकार है, उनका क्या फार्मूला है। इसके अलावा कल सार्क का भी टॉपिक होगा, और दूसरा यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो 7 स्टेट हैं उनको कैसे याद करना, उनका क्या फार्मूला है। तो ये 2 टॉपिक कल होंगे इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आईसीजे जो है आपको इंशाल्लाह ताला कम्प्लीटली याद हो जाएगा, जिसकी जो कि मैंने 9 क्वेश्चन बताए हैं टोटल, ये 9 में से ही रिपीट होंगे। अगर आपको इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जाए तो भी आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ लाइव रहे। तो इंशाल्लाह ताला कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे, और कल इंशाल्लाह जो है रात को 10 बजे होगा लेक्चर, रात के टाइम रात को 10 बजे लेक्चर होगा ऑनलाइन, क्योंकि उस वक्त बहुत से स्टूडेंट ऑनलाइन होते हैं। इस वक्त आपको पता है किसी के पास लाइट होती है किसी के पास नहीं होती, जिस तरह लाइक दैट कि मैंने 3 बजे शुरू करना था लेकिन लाइट ना होने की वजह से मैं लेट हो गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह 10 बजे का टाइम फिक्स कर रहा हूँ मैं, तो 10 बजे लाइट भी होती है और इंशाल्लाह 10 बजे लेक्चर होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।